इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत दीपोत्सव के साथ किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस दौरान पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि पूजा के दौरान की गई गलतियां आपके ऊपर भारी भी पड़ सकती हैं। दरअसल दिवाली की पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है, साथ ही गलतियां होने की आशंका भी कम रहती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली पूजा के दौरान आपको क्या ऐसी चीज है जो भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि दिवाली के दौरान आपको घर में अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना। जी हाँ, दिवाली के दिन घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती, इसलिए घर वह पूजा स्थल को जरूर साफ कर लें। साथ ही पूजा के समय घर के दरवाजे बंद ना करें। आमतौर पर दिवाली की रात में कुछ लोग घर की लाइट भी बंद कर देते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। दिवाली के दिन रात भर घर में उजाला जरूर रखें। दिवाली के दिन आपको पूजा करते समय मूर्ति का मुख किस दिशा में करना है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। पूजा के पंडाल में मां लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखें। पूजा में चांदी का सिक्का और कमल का फूल जरूर रखें। भूलकर भी मुरझाए हुए फूल को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको दिवाली के दौरान घर में टूटी हुई चीज बिल्कुल नहीं रखनी। जी हाँ, दिवाली पर साफ सफाई का अधिक महत्व है। इस दौरान घर में कोई भी कबाड़े का सामान न रखें। यही नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घर में खराब घड़ी, फटे पुराने कपड़े जैसी चीजें भी घर से बाहर निकाल देनी है। आपको दिवाली के दिन सबसे ज्यादा याद रखना है कि आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। दिवाली के दिन घर की रसोई में कुछ भी ऐसा न बनाएं जिससे आपकी देवी देवता आपसे नाराज हो जाएं और साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी आपसे नाराज रहे। इस दौरान भूलकर भी आपको मांस मछली या दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। आप दिवाली के दिन याद रखें कि फटे पुराने कपड़े ना पहने। जी हाँ, दिवाली खुशियों का त्योहार है। सबके साथ मिलकर मनाई जाने वाली दिवाली सभी के लिए खास होती है। इस दिन भूलकर भी आपको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं, ऐसे में उनको पहनना बेहद अशुभ माना जाता है। आपको दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी है, इसके लिए एक विशेष मुहूर्त है। आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:40 से शाम 7:36 तक का है, यानी कि दिवाली पूजन की पूरी अवधि 1:54 की है। आप इसी शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करिए, निश्चित ही मां लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।